हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। मैं अनूप द्विवेदी आपके सामने एक बार फिर से एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री को लेकर आ गया हूं। और आज हमारा फर्स्ट यूनिट है, ठीक है ना। और इसमें हम जानेंगे हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में, ठीक है। तो आपको ये चित्र दिख रहा होगा, अगर इसके बारे में बात करें तो ये चित्र अगर देखें मानचित्र फर्स्ट में, तो ये अरब भूगोल वेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था, ठीक है ना। और ये 12वीं सदी के थे, ठीक है। और ये दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, ठीक है। चलिए मैं इसकी खास बात बताता हूँ। इसके अलावा एक फ्रांसीसी थे जिन्होंने मानचित्र 2 को बनाया था। उन्होंने 1720 में भारत के हिस्से को यानी भारतीय उपमहाद्वीप को बनाया था, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो दोनों ही नक्शों में अंतर क्या है कि पहले नक्शे में जो दक्षिण भारत है वो उत्तर की तरफ दिखाया गया है और जो दूसरा नक्शा है वो ठीक ठाक बनाया गया है, ठीक है ना। मतलब अगर आप श्रीलंका वाले पोर्शन को देखेंगे तो वो उत्तर साइड है और उत्तर वाले पोर्शन यानी जम्मू कश्मीर दिल्ली ये सारे पोर्शन आपको दिखेंगे दक्षिण साइड। ये फर्स्ट मानचित्र में था। लेकिन जो दूसरा मानचित्र यानी 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 1720 की अगर हम बात करें तो ये बनाया था ग्लिवलाम द लिस्ले, ठीक है ना। ये एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप ये उनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। तो उनके द्वारा इसको सही किया गया, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल जहाँ है वहीं पर रहेगा। हाँ, यहाँ पर कुछ खासियत है ये कि जैसे आप गुजरात को देख लीजिए तो लग ही नहीं रहा कि गुजरात है, आज का गुजरात है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि प्लेट विवर्तनी का थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं उसका कारण रहा हो या उनके पास संसाधनों की कमी रही हो, ठीक है। तो यही इसमें दिखाया गया है, ठीक। चलिए अगर हम बात करें पुराने शब्द नई और पुराने शब्दावलियों के बारे में, तो इसमें हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान के बारे में, ठीक है ना। हिंदुस्तान के बारे में अगर हम जाने तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। मतलब उस समय की जो फारसी भाषा थी वो आज की फारसी भाषा से भिन्न है और ये हमें बहुत सारे ऐतिहासिक अभिलेखों की भाषाओं से मिला है, ठीक है ना। आज जो हम लोग भाषा यूज करते हैं वो हिंदी भाषा यूज करते हैं और जो हमारी लिपि है वो है देवनागरी लिपि। इसके पहले हम लोगों ने ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि और ब्राह्मी लिपि जिसमें प्राकृत भाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा और लिपि दोनों में अंतर होता है। अगर बात करें हिंदुस्तान शब्द की तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र या राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। आप देख लीजिए, जो भी दिल्ली या आगरा में राजा रहता था, जो सुल्तान रहता था, उसको सुल्तान हिंद कहा जाता, जबकि उसकी जो सियासत रहती थी, जो उसका शासन रहता था, जो साम्राज्य रहता था, वो दक्षिण भारत में नहीं हुआ करता था। आप किसी को भी देख लीजिए, हाँ, जब अलाउद्दीन खिलजी आया तब उसने दक्षिण भारत में अपना कब्जा करना शुरू किया, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें तो 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, ठीक है ना। अब अगर बात करें अमीर खुसरो की तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी बोला जाता है, ठीक है। और इनकी अगर बात करें तो इन्होंने सात सुल्तानों का साम्राज्य काल देखा था, ठीक है। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी भिन्नता रही होंगी, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे भी थे, जैसे अगर हम विदेशी की बात करें तो विदेशी का अर्थ आज हम लगाते हैं कि कोई अगर दूसरे देश से आया हो, ठीक है ना, तो उसको हम विदेशी बोलते हैं। लेकिन उस समय यदि कोई दूसरे प्रांत या दूसरे गांव से दूसरे गांव में चला जाता था, ठीक है ना, एक गांव से दूसरे गांव में जाता था, तो उसको हम लोग परदेशी बोला करते थे, ठीक है ना, या विदेशी बोला करते थे, ठीक है ना। तो हिंदी में उसको परदेशी बोलते थे और फारसी में अजनबी कहा जाता था, ठीक है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जात परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, ये एक अच्छी बात है। चलिए इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में अगर हम लोग जाने
तो बहुत सारे उन्होंने शिलालेखों की खोज की, ठीक है, इसके अलावा सिक्कों की खोज की तथा स्थापत्य भवन निर्माण की खोज की। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है, तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, ठीक है ना। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। अगर हम बात करें कागज के मूल्य की, तो 13वीं सदी की अगर हम बात करें और आज की सदी की बात करें, ठीक है ना, तो 13वीं सदी में हम लोगों को पांडुलिपि मिला करती थी, ठीक है ना, उसको धोकर ही दूसरी चीजें उस पर लिखी जा सकती थी, ठीक है। ये कागज का महत्व था उस समय, मतलब कागज हमको इतनी आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन आज हमको कागज बड़ी आसानी से मिल जाता था, ठीक है ना। हम लोगों ने पिछली कक्षा में कागज के बारे में पढ़ा है कि कागज को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक। अब बात करते हैं अभिलेखागार, तो ये क्या होता है, तो एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के रिकॉर्डों का ब्यौरा रखते हैं, ठीक है ना। तो आज संग्रहालय हो गए, ठीक है ना, और इनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक पांडुलिपि की ये नकल कर रहा है, और ये जो पांडुलिपि है ये 10.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर है, यानी इसको लघु चित्र या मिनिएचर भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो जो छोटी रहती थी उनको, अच्छा ये कुछ लिपि लिखी गई है, ठीक है ना। तो ये फारसी भाषा में है, तो जियो अगर फारसी अगर आप समझते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। यहीं पर भी वही चीज़ें लिखी हुई, अरबी या फारसी भाषा में ये लिखी है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, आपने बरनी का नाम सुना होगा, ये बहुत अच्छा लेखक था, ठीक है ना, तथा इतिहासकार था। इसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके बारे में जानने को मिलेंगी। 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, ठीक है। अब बात करें नए सामाजिक और राजनीतिक समूह की, तो हुआ क्या कि 700 और 1750 के बीच, ठीक है ना, तो इतिहासकारों को भारी चुनौती रखना पड़ा, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन देखे, ठीक है, जैसे क्या क्या परिवर्तन देखे, जैसे सिंचाई में उन्होंने रहट का इस्तेमाल देखा, कताई में चरखे का इस्तेमाल देखा, तथा युद्धों में आग्नेयास्त्र यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल देखा। अगर बात करें आग्नेयास्त्र यानी बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भारत में, तो वो किया था बाबर ने, ठीक है। इसके बाद उन्होंने इस महाद्वीप में खान पान भी में भी काफी परिवर्तन देखे, जैसे आलू आ गया, मक्का आ गया, मिर्च आ गया, चाय आ गया और काफी आ गया। अगर मैं बात करूं तंबाकू की, तो तंबाकू कौन लेकर आया था, तो तंबाकू वास्को डी गामा लेकर आया था, ठीक है ना। लेकिन हम उस समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 700 से 1750 ईस्वी के बीच। ये चित्र दिया हुआ है रहट का, चित्र नंबर 3 में देखिए, रहट रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पर्यावास की। पर्यावास क्या होता है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है, ठीक है ना। अगर पर्यावास की बात करें तो जंगलों की जो कटाई हो रही है और खेती से इसका इलाका जो बढ़ता जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा है, ठीक है ना। तो उनका जो स्थान ले लिया वो किसने ले लिया, वो ले लिया बहुत सारे लोगों ने, ठीक है ना, मुखियाओं ने, पुजारियों ने, मठों ने, मंदिरों ने ले लिया, मकानों ने ले लिया, इसके अलावा मवेशियों ने ले लिया, ठीक है ना, और साथ ही साथ भूमियों ने ले लिया, और उसके साथ ही साथ जो पेड़ पेड़ हो गए, ठीक है ना, उन पेड़ों की कटाई भी शुरू होने लगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपने स्थान से हटने लगे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो अगर बात करें चोल की, तुगलक की, मुगल की, तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की अगर बात करें, तो 1266 से लेकर 1287 की
87 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, ठीक है ना, के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखें तो उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं, ठीक है ना। तो भाई जो आदमी कोई काम करवा लेता है तो उसकी वो प्रशंसा तो करता ही। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये तो कहूँगा ही कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि मैं गंदा पढ़ा रहा हूँ तो कौन पढ़ेगा, ठीक है ना। मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसलिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार, ठीक है ना, बहुत बड़ा नाम है तो आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद तुगलक जो खिलजी के बाद आया, काफी सारे क्षेत्रों को उसने देखा जीता था, ठीक है ना। आप उत्तर से लेकर और दक्षिण प्रदेश की कहीं भी चले जाइए, ठीक है। चलिए अब बात करें भाषा तथा क्षेत्र की, तो तेरह सौ अठारह में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ठीक है ना, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, ठीक है ना। इसके अलावा तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, फिर उसके बाद गुजरी जो गुजरात में बोली जाती थी, फिर महाबारी जो तमिलनाडु में बोली जाती थी, इसके अलावा गोंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में यानी आगरा दिल्ली के क्षेत्रों में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानते हैं। तो सही बात है, जो अरब से आया होगा, आप खुद ही सोचो, वो संस्कृत कहाँ जानेगा, ठीक है ना। तो भारत के लोग ही जानते थे। सन 700 में कई क्षेत्र में के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, 18वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई बड़े बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों पर विरासत में मिली थी, ठीक है ना। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में हमें बहुत सारी परंपराएं मिलती हैं, ठीक है ना। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्ति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्या आपको संस्कृत ज्ञान और ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणी याद है, तो आप बताइए उसने क्या कहा था, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चलिए बाद में बताऊंगा कि तुगलक ने नहीं, तुगलक ने तो कहा ही था, इसके अलावा कहा था औरंगजेब ने बहुत सारी टिप्पणी की थी, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही घोर विरोधी था और कट्टर मुस्लिम था, ठीक है ना, पुराने और नए धर्म, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली अगर बात करें अमीर खुसरो के संरक्षक में, मतलब अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षक में था और वो अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म अपनाना चाहता था। हालांकि बाद में अमीर खुसरो ने उसको सलाह दी कि ये धर्म हमको नहीं अपनाना चाहिए, अलग धर्म नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो प्रायः धर्म पर विवाद हुआ करते थे, पुराने धर्मों पर भी विवाद हुआ करते थे, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करें कि आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, उनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी और भी बढ़ गया था। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कालिदास की, ठीक है ना, तो कालिदास ने एक कविता लिखी थी, ठीक है ना, एक प्रसंग लिखा था, आप लोग उसका नाम जानते होंगे, उसका नाम था मेघदूत। ठीक है ना। उनमें उसने उन्होंने बताया था कि कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मेघों के माध्यम से क्या भेज देता है, संदेश भेजता है। उस समय जिन लोगों ने उसको सुना होगा तो वो उन पर हंसे होंगे, लेकिन आज हम वही रेडियो एक्टिव तत्व को पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो हमारे देश में मेघ कालिदास ने बहुत पहले बता दिया था। ठीक है ना, कि हम लोग मेघों के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को भी जो चीज़ें मिल रही हैं तो इसका फायदा उठाइए, ठीक है ना, और दूसरों तक भी शेयर जरूर करिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ सकें। ठीक। तो आप लोग जरूर इस पर अमल करिएगा, ठीक है ना। अगर इस युग की बात करें तो जिस तरह बात करें तो इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे। ठीक है ना, जिसका प्रेम करुणा और उदारता में अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। ठीक है ना। एक उलेमा होता था, ठीक है ना, जो उनका अनुयायी हुआ करता था। ठीक है ना। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ठीक है ना। तो इनके बीच आज भी विवाद चलता रहता है। ठीक है ना। मतलब जो शिया थे वो ये कहते थे कि जो उनके वंश का है पैगंबर मोहम्मद का, उसी को हम लोग आगे खलीफा मानेंगे, लेकिन सुन्नी थे वो ये ऐसा नहीं कहते थे। वो कहते थे जिसके पास योग्यता होगी वही आगे खलीफा बनेगा। ठीक है ना। और खलीफा को बाद में आगे चलकर एक पद बना दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे धर्म आए। चलिए आगे बात करें समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार के बारे में। तो इस इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्वायत्त रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता वाले रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं 19वीं सदी की। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। ठीक है ना। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों को का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रही हैं। मतलब उन्होंने कालखंड को बहुत सारे धार्मिक परिवर्तन में बांट दिया था। ठीक है ना। बहुत सारे धर्मों में बांट दिया था, बहुत सारे संप्रदायों में बांट दिया था, और वही चीज आज भी चलती आ रही है। आज भी तो यही होता है। आप किसी भी नेता को देख लीजिए, यही करता, कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, यही चलता रहता है। ठीक है। अगर बात करें कि भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। ठीक है ना। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर अगर हम बात करें मध्यकाल की, तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। ठीक
ठीक है ना। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है, उससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवाद था और तो आधुनिक काल और मध्यकाल में जो परिवर्तन था वो सिर्फ इस चीज़ का था कि रूढ़िवादी का था, ठीक है ना। जो मध्यकाल था वो बहुत ही रूढ़िवादी था और जो आधुनिक काल हुआ उसमें से जो रूढ़िवादिता थी वो मिटती चली गई, ठीक है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही था, क्योंकि ये कक्षा 7 का पहला चैप्टर है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं था, लेकिन जो भी चीज़ें थी वो जानने लायक थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।